आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के लिए दलहन, अनाज और तिलहन की प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाने के ऐलान के बाद बुधवार को मंडी में तेजी नजर आई थी। वहीं शुक्रवार को भी तेजी जारी रही थी। जोरदार तेजी के बाद सुबह तो बाजार मजबूत बना रहा था, लेकिन लेवाल गायब हो गया। इसका असर ये रहा कि दोपहर के बाद बाजार में गिरावट नजर आने लगी। दरअसल बाजार में फिलहाल लंबी तेजी मंदी आती नहीं देखी जा रही है। बाजार की नजरें अब आने वाले मॉनसून सीजन पर टिकी हुई है। वर्षा अगर अच्छी हुई तो उम्मीद है कि एमएसपी बढ़ने से दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ेगा। अच्छी वर्षा हुई और उपज बढ़ी तो बाजार में तेजी को बल नहीं मिल पाएगा। आगे तेजी मंदी दलहन की उपलब्धता पर ही निर्भर रहेगी। वहीं सरकार ने तुअर की एमएसपी में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव 6600 रुपए कर दिया है। उड़द की एमएसपी में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव 6600 रुपए क्विंटल हो चुका है। इसके अलावा मूंग की एमएसपी में 480 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव अब 7755 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। इससे आने वाले दिनों में दाल की लागत ऊंची बैठेगी। मिलों में तुअर उड़द दाल की लागत 100 रुपए और मूंग दाल की लागत 100 रुपए से ऊपर बैठेगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।